हेलो दोस्तों, टेक एमएम पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए जल्दी से। और आज जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीएस प्रो बूस्ट मोड के बारे में। तो सोनी ने पीएस 4 का एक नया फर्मवेयर अपडेट अभी अनाउंस किया है जो कि 4.50 है। अभी बेटा वर्जन में ये है पर जल्दी ही शायद बाकी सब के लिए भी आना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या खास इन्होंने दिया है। पीएस 4 प्रो को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि जब पीएस 4 प्रो लॉन्च हुआ था तो इसकी काफ़ी इसको नेगेटिव कमेंट्स मिले थे, पर लगता है कि फाइनली सोनी ने सब लोगों की फरियाद सुन ली है और इस नई अपडेट को निकाला है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें क्या फ़ीचर्स ऐड होने वाले हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सटर्नल ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड की जा रही थी पर सोनी ने फाइनली इसे पूरा कर दिया है। और कस्टम वॉलपेपर्स आप अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं, आप कोई भी अपना फेवरेट वॉलपेपर लगा सकते हैं। और 3D ब्लूरे सपोर्ट जो है PSVR के लिए इसमें दिया गया है। और भी कई, जैसे PS4 प्रो बूस्ट मोड तो इसमें लॉन्च हो गई होगा, और भी कई सारे फीचर्स इसके अंदर लॉन्च होंगे जब ये फाइनली लॉन्च हो जाएगा। और बूस्ट मोड की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो GPU और CPU दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपको मिलेगा बेहतर फ्रेम रेट, बेहतर ग्राफिक्स। और इसका फ़ायदा ना सिर्फ उन लोगों को होगा जिनके पास 4K डिस्प्ले है बल्कि उन यूज़र को भी होगा जिनके पास 1080p डिस्प्लेज हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा और वो लोग भी अच्छे ग्राफिक्स जो हैं इसमें पा पाएंगे, बेहतर फ्रेम रेट पा पाएंगे और अच्छा गेम प्ले उनको मिल जाएगा इसमें। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके अंदर जो गेम्स हैं वो सारे इसके लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं हैं अभी, क्योंकि कुछ तो जो वीटा वर्जन में इसको जो यूज़ कर रहे हैं उन वो यूज़र बता रहे हैं कि गेम इसमें क्रैश हो रहे हैं या ठीक से नहीं चल रहे हैं। पर बाकी कई गेम में इसके अंदर ना सिर्फ बेहतर फ्रेम रेट मिल रहा है बल्कि कुछ ग्राफिक्स भी आ रहे हैं। सो आई होप कि जब ये फाइनली फर्मवेयर रिलीज़ होगा तो इस तरह की सारी दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो जिनके पास भी लोगो प्रो है उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, या फिर आप ख़रीदने का मन बना रहे हैं तो PS4 का आइडिया ड्रॉप करके आप प्रो का आइडिया बनाओ ताकि आपको एक बेहतर जो है गेम प्ले मिल पाएगा, उसके अंदर बेहतर ग्राफिक मिल पाएंगे, तो एक फ़ायदे का सौदा जो आपके लिए रहेगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।